हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू इंद्रप्रस्थ लॉ कॉलेज ग्रेटर नोएडा माय नेम इज़ ज्योति गौर एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ डिमांड टाइप्स ऑफ डिमांड डिमांड इज जनरली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस फैक्टर्स सच एज नेचर ऑफ प्रोडक्ट यूजेस ऑफ अ प्रोडक्ट नंबर ऑफ कंज्यूमर ऑफ अ प्रोडक्ट एंड सप्लायर्स ऑफ अ प्रोडक्ट डिमांड जो होती है वो जनरली बेस्ड होती है बहुत सारे फैक्टर्स पे जैसे उस प्रोडक्ट का क्या नेचर है उसका क्या यूज़ है उस प्रोडक्ट के बायर्स और सेलर्स कितने हैं मार्केट में एंड द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट वुड बी डिफरेंट इन डिफरेंट सिचुएशंस और किसी भी पर्टिकुलर डिमांड की जो सिचुए uh, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है वो अलग अलग होती है अलग अलग सिचुएशंस में सो so, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं दे शुड बी क्लियर अबाउट द टाइप ऑफ डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट हेयर टाइप्स ऑफ डिमांड फर्स्ट इज इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड सेकंड ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडस्ट्री डिमांड थर्ड इज़ ऑटोनॉमस एंड डेराइव डिमांड फोर्थ इज डिमांड फॉर पेरिशेबल एंड ड्यूरेबल गुड्स फिफ्थ इज शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डिमांड सिक्स इज़ प्राइस डिमांड सेवेंथ इज़ इनकम डिमांड एंड एथ इज़ क्रॉस डिमांड सो फर्स्ट वी विल डिस्कस इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग ये क्या होती है फर्स्ट हम बात करेंगे इंडिविजुअल डिमांड की तो बेसिकली इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड को वी कैन क्लासीफाइड इट ऑन द बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कंज्यूमर इन द मार्केट मतलब मार्केट में उसके कितने कंज्यूमर्स हैं इस बेसिस पे हम डिमांड को डिवाइड करते हैं इसमें इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड में सो इंडिविजुअल डिमांड कैन बी डिफाइंड एज क्वान्टिटी डिमांडेड बाय एन इंडिविजुअल फॉर अ प्रोडक्ट एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड विद इन द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम मीन्स जो व्यक्तिगत मांग होती है या इंडिविजुअल डिमांड होती है वो उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल जो एक पर्टिकुलर प्राइस पे और एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पे एक प्रोडक्ट की मांग करता है यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि एक कोई मिस्टर एक्स हैं जो एक वीक में दो सौ यूनिट डिमांड करते हैं एट द रेट ऑफ फिफ्टी रुपीस पर यूनिट दिस इज़ कॉल्ड एन इंडिविजुअल डिमांड नेक्स्ट इज मार्केट डिमांड मार्केट डिमांड का यहाँ पर मतलब है बाजार मांग बाजार मांग वो मांग होती है जो सारे इंडिविजुअल्स की डिमांड्स को कलेक्शन करके कलेक्ट uh, करके की जाती है इट इज़ एन एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड्स ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स ऑफ अ प्रोडक्ट ओवर अ पर्टिकुलर ऑफ टाइम एट अ स्पेसिफिक प्राइस वैल अदर फैक्टर्स आर कॉन्स्टेंट अदर फैक्टर्स को कॉन्स्टेंट रखा जाता है और यहाँ पर जो मार्केट डिमांड है वो कैलकुलेट की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड्स ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स हेयर वी कैन टेक एन एग्जाम्पल देर आर फोर कंज्यूमर्स ऑफ ऑयल यहाँ पर चार कंज्यूमर्स हैं ऑयल कंज्यूम करने वाले हैविंग अ सर्टेन प्राइस दीज आर

जब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट की डिमांड की जाती है एक गिवन प्राइस पर और एक पॉइंट ऑफ टाइम पर दैट इज कॉल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन डिमांड यहाँ यहाँ पर हम एग्जांपल ले सकते हैं टोयोटा कार्स की जो डिमांड है दैट इज एन ऑर्गेनाइजेशन डिमांड नेक्स्ट इज इंडस्ट्री डिमांड द सम टोटल ऑफ डिमांड फॉर प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री इज नोन एज इंडस्ट्री डिमांड मीन्स जो सारी ऑर्गेनाइजेशन्स होती हैं एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की उसका जो समोटल होता है डैट इज़ कॉल्ड इन इंडस्ट्री डिमांड यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होती है उसमें जितने ब्रांड्स होते हैं लाइक टोयटा मोरित सुजु सुजुकी टाटा हुंडई ये सारे क्या हैं इंडस्ट्री डिमांड क्रिएट करती है इन इनके लिए जितनी भी डिमांड की जाती है इनकी कार्स की जितनी भी डिमांड की जाती है उसका सम टोटल आपका इंडस्ट्री डिमांड कहलाता है नेक्स्ट इज ऑटोनॉमस एंड डराइव डिमांड ऑटोनोमस एंड डराइव डिमांड को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी ऑन अदर प्रोडक्ट मीन्स कि प्रोडक्ट्स की डिपेंडेंसी कैसी है द फर्स्ट इज ऑटोनॉमस डिमांड द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट दैट इज नॉट एसोसिएटेड विद द डिमांड ऑफ अदर प्रोडक्ट इज नोन एज ऑटोनॉमस और डायरेक्ट डिमांड मीन्स कि जहाँ पर किसी प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है वो किसी और अदर प्रोडक्ट पर एसोसिएटेड नहीं होती उससे प्रभाव नहीं पड़ता उस पर दैट इज़ एन ऑटोनॉमस और वी कैन से डायरेक्ट डिमांड द ऑटोनॉमस डिमांड राइज ड्यू टू द नेचुरल डिज़ायर ऑफ एन इंडिविजुअल टू कंज्यूम द प्रोडक्ट और जो ऑटोनॉमस डिमांड होती है वो जो भी इंडिविजुअल होता है उसके नेचुरल डिज़ायर की वजह से होती है कि वो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करना चाहता है यहाँ पर हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि द डिमांड फॉर फूड शेल्टर क्लोथ्स एंड व्हीकल इज ऑटोनॉमस यहाँ पर हम फूड uh, को शेल्टर को क्लोथ्स को और व्हीकल्स को ऑटोनॉमस डिमांड कह सकते हैं क्योंकि ये किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनल नीड्स पे बायोलॉजिकल नीड्स पे और फिजिकल नीड्स पे डिपेंड uh, करती हैं नेक्स्ट इज डराइव डिमांड डराइव डिमांड वो डिमांड होती है जो कि एराइज uh, होती है ड्यू टू द डिमांड फॉर अदर प्रोडक्ट यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेंगे जैसे जो डिमांड होती है पेट्रोल डीजल या अदर जो ऑयल्स होते हैं वो डिमांड वो डिपेंड करते हैं डिमांड ऑफ़ व्हीकल्स अगर डिमांड ऑफ़ व्हीकल्स होगी तो डिमांड ऑफ पेट्रोल डीजल और अदर लुब्रिकेंट्स ऑयल की भी होगी नेक्स्ट इस डिमांड फॉर पेरिशेबल एंड ड्यूरेबल गुड्स डिमांड फॉर पेरिशेबल गुड्स पेरिशेबल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं पेरिशेबल गुड्स और नॉन ड्यूरेबल गुड्स हम इन्हें कह देते हैं ये वो गुड्स होते हैं जिनका एक सिंगल यूज़ होता है मतलब उनको हम एक ही बार यूज़ कर पाते हैं और जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं वो प्रेजेंट जो प्रेजेंट डिमांड होती है इंडिविजुअल्स की उसको सेटिस्फाई करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे सीमेंट कोल फ्यूल एंड ईटेबल्स लाइक हमें भूख लगी है हमने ब्रेड ली और खा ली तो हमारी जो प्रेजेंट डिमांड है वो सेटिसफाई हो गई और इसका सिंगल यूज़ होता है नाउ डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स का मतलब है ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं एंड जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं वो हमारे प्रेजेंट की सेटिस्फेक्शन तो करते ही हैं बट वो फ्यूचर की डिमांड्स को भी सेटिसफाई करते हैं लाइक फॉर एग्जन एग्जाम्पल क्लोथ्स शूज़ मशीन्स एंड बिल्डिंग्स मीन्स हम आपने कोई कपड़े खरीदे आपको प्रेजेंट में ज़रूरत है आपने वो कपड़े खरीदे ऐसा तो नहीं है कि आपने एक बार आज खरीदा और उसको यूज़ करके उसको आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते नहीं आप फ्यूचर में भी उसको यूज़ कर सकते हैं और अपनी नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं देन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डिमांड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डिमांड डिपेंड करती है आ, सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म डिमांड पढ़ेंगे शॉर्ट टर्म डिमांड रेफर्स टू द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट दैट आर यूज फॉर द फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम और फॉर करंट पीरियड शॉर्ट टर्म डिमांड वो डिमांड होती है या उन प्रोडक्ट्स की होती है जो हम कम समय के लिए यूज़ करते हैं या हमें अभी करंट में ज़रूरत है तो हम उसके लिए यूज करते हैं और ये जो डिमांड है वो हमारे करंट टेस्ट और प्रेफरेंसेस पर डिपेंड करती है यहाँ पर हम एक एग्जांपल से बहुत आराम ईजीली समझेंगे कि शॉर्ट टर्म डिमांड क्या होती है यहाँ पर जैसे आ, अभी आपका रेनी सीजन आया था तो वहाँ पर डिमांड ऑफ अम्ब्रेलाज बढ़ गया था रेनकोट्स आ, बढ़ गया था तो ये शॉर्ट टर्म डिमांड है मतलब जब तक रेनी सीजन रहेगा तब तक इनकी डिमांड रहेगी उसके बाद ये ख़त्म हो जाती है अभी लाइक विंटर्स आने वाले हैं तो स्वेटर्स की और इन सबकी डिमांड बढ़ जाएगी नेक्स्ट इज़ लॉन्ग टर्म डिमांड लॉन्ग टर्म डिमांड रेफर्स टू द डिमांड फॉर प्रोडक्ट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मीन्स लॉन्ग टर्म का यहाँ पर मतलब ही है कि वो डिमांड जो आप लॉन्ग पीरियड को ध्यान में रख कर करते हैं मतलब लंबे समय के लिए सोच कर करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल है जैसे ड्यूरेबल गुड्स होते हैं वो लंबे समय के लिए चलते हैं तो ड्यूरेबल गुड्स हैव लॉन्ग टर्म डिमांड द लॉन्ग टर्म डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर्स और जो लॉन्ग टर्म डिमांड होती है किसी भी प्रोडक्ट की वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है जैसे चेंज इन टेक्नोलॉजी टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन प्रमोशनल एक्टिविटीज और अवेलेबिलिटी ऑफ सबस्टिट्यूट सो नेक्स्ट इज प्राइज डिमांड अब प्राइज डिमांड क्या होती है द डिमांड इज ऑफन स्टडीड इन दैरालेंस टू प्राइज एंड देर फॉर कॉल्ड एज अ प्राइज डिमांड क्योंकि ये डिमांड प्राइस बेस्ड होती है देअ हम इसको प्राइस डिमांड कहते हैं द प्राइस डिमांड मीन्स द अमाउंट ऑफ कॉमोडिटी अ पर्सन इज विलिंग टू परचेज एट अ गिवन प्राइस प्राइस डिमांड का यहाँ पर मतलब होता है कि जब एक व्यक्ति एक एक पर्टिकुलर प्राइस पर जितनी भी उस प्रोडक्ट की डिमांड करता है वायल स्टडिंग द रिमांड वी ऑलफन एज्यूम द अदर फैक्टर्स एज इनकम ऑफ द कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड द प्राइज ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स रिमेन अनचेंज और जब हम प्राइस डिमांड की बात करते हैं तो हम ये मानकर चलते हैं ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो अदर फैक्टर्स होते हैं जैसे कंज्यूमर की इनकम उसका टेस्ट उसके प्रेफरेंसेस और जो अदर गुड्स uh, के प्राइजेस होंगे वो चेंज नहीं होंगे देर इज़ येगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइज एंड डिमांड यहाँ पर हमेशा प्राइस और डिमांड में नगेटिव रिलेशनशिप होता है लाइक एज द प्राइज इंक्रीज द डिमांड डिक्रीजेस एंड एज द प्राइज डिक्रीजेज द डिमांड इंक्रीजेज मीन्स आपने देखा होगा जब किसी प्रोडक्ट की के प्राइस घट जाते हैं डिक्रीज़ हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं अपनी डिमांड इंक्रीज कर देते हैं और जब किसी प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ जाते हैं तो आप अपनी डिमांड डिक्रीज कर देते हैं तो इनमें नेगेटिव रिलेशनशिप होता है ठीक है नेक्स्ट इज इनकम डिमांड अब इनकम डिमांड क्या होती है द इनकम डिमांड रेफर्स टू द विलिंगनेस ऑफ एन इंडिविजुअल टू अ सर्टेन क्वान्टिटी एट गिवन इनकम लेवल

उसका एक इनकम लेवल होता है तो उस पर बेस्ड होता है कि वो कितनी क्वांटिटी डिमांड करता है मींस अगर उसका इनकम लेवल बढ़ता है तो वो डिमांड बढ़ा देता है अगर उसका इनकम लेवल घटता है तो वो डिमांड घटा देता है फॉर एन एग्ज़ाम्पल आप अपना ले सकते हैं अगर आज आपकी सैलरी टेन थाउजेंड है तो आप डिमांड कम करते हैं और अगर कल को आपकी सैलरी इंक्रीज हो के फिफ्टीन हो जाए या ट्वेंटी हो जाए तो आप अपनी डिमांड भी प्रोडक्ट्स को लेकर बढ़ा देंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है इनकम और डिमांड के बीच में नाउ इज क्रॉस डिमांड क्रॉस डिमांड इज इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ डिमांड वेयर इन द डिमांड फॉर अ अकोमोडिटी डिपेंड्स नॉट ऑन इट्स ओन प्राइस बट ऑन द प्राइज ऑफ अदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉस डिमांड सच एज विद द इंक्रीज इन द प्राइज ऑफ कॉफी द कंजशन ऑफ टी इंक्रीज टी एंड कॉफ़ी आर सब्सिट्यूट टू ईच अदर ऑल्सो वेन द प्राइज ऑफ कार इंक्रीजिज द डिमांड फॉर पेट्रोल डिक्रीज एज द कार एंड पेट्रोल आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर क्रॉस डिमांड वो डिमांड होती है जो सिर्फ अपने अपनी कॉमोडिटी पे बेस नहीं होती अपने प्राइज पे बेस नहीं होती बल्कि उसका जो फ़र्क होता है वो अदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स के जो प्राइस में फ़र्क आता है उसका फ़र्क उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर पड़ता है इसीलिए इसको क्रॉस डिमांड जा, किया जाता है यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेंगे जैसे कि यहाँ पर बताया है कि कॉफ़ी एंड टी दो चीज़ें हैं अगर कॉफ़ी के प्राइस में कॉफ़ी का प्राइस बढ़ जाता है तो टी का कंजम्पशन बढ़ जाता है क्योंकि कॉफ़ी जो लोग पी रहे थे और उसका प्राइस बढ़ गया है तो वो उसका सब्सिट्यूट ले लेते हैं वो टी पीना शुरू कर देते हैं दे आर सब्सिट्यूट टू ईच अदर एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम कि अगर कार्स का प्राइस बढ़ जाएगा कार्स का प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो पेट्रोल का प्राइस डिक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है अब आप कहेंगे कार का प्राइस बढ़ जाएगा तो पेट्रोल का प्राइस डिक्रीज़ क्यों हो जाएगा क्योंकि कार का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी डिमांड कम होगी तो आपका जो पेट्रोल है उसका कंजम्पशन कम हो जाएगा तो पेट्रोल डिक्रीज हो जाएगा डिमांड सो दैट्स फॉर ऑल टुडे Thank you so much.